सरकार बदलने भले वाली है लेकिन आरजेडी सत्ता में बने रहने की आखिरी बाजी अब भी खेल रही है, क्योंकि महागठबंधन के बचे हुए सारे दलों को मिलाकर भी आरजेडी के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन आरजेडी की कोशिश अब भी जारी है, कभी जीतनराम मांझी से संपर्क साधा जा रहा है, कभी लेफ्ट पार्टियों के दफ्तरों को फोन मिलाए जा रहे हैं। होना क्या है ये कल पता चलेगा। सत्ता से बेदखली क्या होती है वो तेजस्वी यादव की इस तस्वीर में देखिए। चाचा भतीजा सत्ता के लिए साथ आए और सत्ता के लिए अलग हो रहे हैं। गलबाहियां, पुचकारियां, मुस्कुराहटें और अब रुसवाइयां। कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है कांग्रेस के, ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं। क्या से क्या हो गए देखते देखते, चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम। बिहार के विकास को बुलेट ट्रेन से तेज भगाने का वादा, 10 लाख रोजगार देने की कसम, बिहार को चैंपियन बनाने की शपथ, सब के सब सियासत की। चाचा ने भतीजा का साथ छोड़ दिया, सत्ता छीन ली। सियासत है, ये सब चलता है, लेकिन सवाल है अब आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी है, कांग्रेस के साथ अब भी बनी हुई है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लाजमी है, खामोशी से सत्ता जाने का तमाशा तो आरजेडी नहीं ही देख रही है, तो कर क्या रही है। सूत्रों के हवाले से आरजेडी के कुछ एक्शन देख लीजिए। आरजेडी जीतनराम मांझी से संपर्क में है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अभी एनडीए में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बार बार आस्था जता चुके हैं, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन पिछले साल जून में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस वक्त नीतीश पूरे देश में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे थे। उनको आशंका थी कि जीतनराम मांझी के बेटे के जरिए उनके गठबंधन की खबरें बीजेपी तक पहुंच सकती हैं। बाद में जीतनराम मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, लेकिन जीतनराम मांझी का दावा था कि नीतीश चाहते थे कि हम का जेडीयू में विलय हो जाए, जो उनको मंजूर नहीं था। जीतनराम मांझी के पास एक बार फिर मौका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो एनडीए छोड़ने का खतरा मोल लेंगे। इन सवालों के जवाब सर्दी की गुनगुनी धूप में नहीं, ठंडी रात में आरजेडी सियासी कड़ाही में उबाल रही है। आरजेडी के पास सत्ता में बने रहने के जितने भी साधन हो सकते हैं उन पर प्लान बनाकर काम जारी है। इस प्लान की डिटेल, या बोले तो आरजेडी के सरकार में बने रहने की प्लानिंग की डिटेल दिखाने से पहले कांग्रेस का विधायक कांड भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी की सरकार बनाने की रणनीति में कांग्रेस के 19 विधायक भी हिस्सा हैं। इधर कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं, मतलब टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाकी 9 कहां हैं किसी को नहीं पता। ना तो फोन उठा रहे हैं, ना अपने कहीं होने की खबर दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हमारे विधायक कहीं नहीं गए।
सकते हैं हमेशा। नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली, आज हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक हालात, विधायकों को कल बुलाया, जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे अभी? ये अभी सब कुछ आपको बता दें, अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? आईडी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूंगा? आरजेडी के पास बिहार में सत्ता में रहने के कितने विकल्प खुले हैं या कितने विकल्पों पर आरजेडी विचार कर रही है, इसे आंकड़ों में समझने की जरूरत है। मांझी के पास 4 विधायक हैं, आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 114 हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक पहले ही आरजेडी अपने में मिला चुकी है। अगर बचा हुआ एक विधायक अगर आरजेडी के साथ आ गए तो इनकी संख्या 115 पहुंच रही है। यह बहुमत के आंकड़े से 7 दूर है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय होकर भी मंत्री बने सुमित कुमार सिंह भी उसके पास आ सकते हैं। उस दावे को सही मान ले तो निर्दलीय जोड़कर आंकड़ा 116 होता है, मतलब अब भी 6 की दूरी है। जीतन राम मांझी कांग्रेस, लेफ्ट और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने का तेजस्वी यादव का प्लान रेडी है। इसके बाद बिहार की सियासी गणित बदलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने का फैसला कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव उनको एनडीए छोड़ करके अपने पाले में लाने के लिए कुछ उनको ऑफर दे पाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाने वाली है। इसके गुत्थे सुलझाने के लिए आरजेडी किस एक्शन प्लान पर काम कर रही है, इसके डिटेल दिखाने से पहले आपके सामने अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि बिहार में नई सरकार किसकी होगी और नई सरकार का मुखिया कौन होगा। ये दावा आंकड़ों के आधार पर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बनाने में समर्थ हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, लिहाजा बहुमत का आंकड़ा बनता है 122 और बीजेपी जेडीयू के पास है 123। मामला बिल्कुल साफ है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जेडीयू का मुसीबत आएगा। राजद नेतृत्व बेचैन है, बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 215,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट मैच की तरह सियासत में भी जब तक आखिरी गेंद फेंक नहीं दी जाती, संभावना बची रहती है। यहाँ तो और भी पलटी मार नीतीश कुमार का मामला है। दूसरी ओर एक आंकड़ा और है जिसके मुताबिक नीतीश के रहते बिहार में महागठबंधन का आंकड़ा था 159 और उनके 45 विधायकों के जाने से हो गए 114, जो कि बहुमत से एक तो नहीं 8 से 2 हैं। तो आरजेडी का सारा गुड़ा भाग यहीं बिगड़ जाता है, लेकिन आरजेडी अब भी हाथ पैर मार रही है, अंतिम प्रयास कर रही है जिसका कोई नतीजा शायद ही निकले। लालू यादव के राजपाट के दिन विदा हो गए।